देखने लायक। सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण दे रही है।
पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों, स्त्रियों के
माघ मेला प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रांतों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इंटीग्रेशन 112 में उपलब्ध कराई जा चुकी है। 3 महिला पीएससी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित की गई है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियों तथा 1,41,805 पदोन्नतियों की गई है। आपदाओं में त्वरित कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। राज्य में 6 नाटक थाने व 8 ऑपरेशन यूनिट क्रियाशील है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 कंपनियां गठित की गई है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर के सदस्यों के पक्ष में करने का स्टैंप शुल्क देयता 5,000 रुपए तक सीमित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्टार एवं रजिस्ट्रेशन में 11,574 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 34,560 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री दुर्घटना निवार योजना में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटनावश मृत्यु अधिकतम 10,00,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ भूमि प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण कार्यों में सहभागी का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रदर्शन कार्यक्रम में चयनित सुधारी 100 अपेक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत है। लाभार्थी परक योजनाओं के पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश